सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजे टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किए थे और ऐसे में जो उसको रिटर्न पॉलिसी थी उसकी, तो आपने उसको रिटर्न किया था और ऐसे में जो आपने प्रोडक्ट रिटर्न किया था वो अगर आपको अब रिटर्न नहीं करना है, उसको कैंसिल करना है, तो आप उसको कैसे कैंसिल कर सकते हो, वही आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप रिटर्न में डालते हो, उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हो, उसकी रिटर्न पॉलिसी जो होती है, जो आपने रिक्वेस्ट डाला था उसका रिटर्न रिक्वेस्ट, उसको अगर आप कैंसिल करना है तो कैसे कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद माई ऑर्डर्स के अंदर आना है। आप जैसे माई ऑर्डर्स के अंदर आओगे, उसके बाद आपने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मैंने रिक्वेस्ट अपनी कैंसिल करके रखी हुई, जो रिटर्न कैंसिल आप देख सकते हो यहाँ पर लिख के आ रहा है रिटर्न कैंसिल। तो ये मैंने कैसे किया और आप भी इसे कैसे कैंसिल कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने जब इसको कैंसिल किया था उस समय मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो अभी आप देखो कि जब आपने ऑर्डर किया था उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, रिटर्न का यहाँ पर इस तरीके से आ गया था और उसके बाद अप्रूव भी हो गया था, लेकिन पिक एंड रिप्लेस नहीं हुआ था। मतलब अप्रूवल भी हमें मिल गया था कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न कर लिया जाएगा। ठीक है, जो सेलर होता है उसकी तरफ से एग्री था कि हाँ, हम आपका जो प्रोडक्ट लेकर के आपको दूसरा प्रोडक्ट दे देंगे, यानी रिटर्न कर लेंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप चाहते हो कि जो हमें प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, जो अभी हमारा प्रोडक्ट है प्रेजेंट टाइम वाला, जो हमने ऑर्डर किया था, जो डिलीवर हुआ है, वो अच्छा प्रोडक्ट है और अभी हमें इसे रिटर्न नहीं करना है, तो यहां पर आपको कैंसिल रिटर्न का ऑप्शन मिलता है। यहां पर आप देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे जैसे, उसके बाद आपसे रीजन पूछेगा कि आपसे क्यों कैंसिल कर रहे हो, तो आप वहां पर बता देना और उसके बाद आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर अभी मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हो, यहां पर फिर मेरा इस तरीके से कैंसिल हो चुका था। लेकिन यहां पर एक चीज होती है जो कि यहां पर डेट होती है, अगर डेट निकल जाती है उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा ये काम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ, अगर आपके पास फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो।